पहले मैंने एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी जिनके पोइट हैं आशीष जी। मुझे बहुत जी अच्छी कविता लगी, वो रंगमंच के ऊपर थी कि जीवन रंगमंच है मित्रों, तुम किरदार निभाते जाना, लिखी कहानी है पहले से, तुम अभिनय करते जाना। क्या बात है, सभी रसों का मिश्रण है जीवन सारा का सारा, रो लेना पर्दे के पीछे पर सबको हंसाते जाना। क्या बात है, प्रतिदिन होगी भेंट तुम्हारी अलग अलग किरदारों से, प्रेम से सबसे मिलना तुम और प्यार कमाते जाना। एक दिन पर्दा गिर जाएगा और रोल खत्म हो जाएगा, सब कुछ न्योछावर कर तुम व्यवहार कमाते जाना। जीवन रंगमंच है मित्रों, किरदार निभाते जाना। सो वेलकम टू कैनी गोगियास टॉक शो, कैंडी टॉक्स विद कैनी। और आज हम बात कर रहे हैं रंगमंच के बारे में, एक बहुत अच्छी अधिकार क्या बोलते हैं उसको, अभिनेत्री, बिकॉज वो एक जी अदाकारा, मेरे से ना थोड़ा बोलने में मुश्किल लग रहा है मुझे। जी सो आई हैव सीन दैट द लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट, लाइफ ऑफ एन एक्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। वो क्या करते हैं, 8 से लेके 10 घंटे तक तो रिहर्सल करते हैं और पूरे मन से करते हैं, थकते भी नहीं है। उसके बाद फिर जो बिल्कुल, बाकी टाइम आता है वो अपने कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। उसके बाद हाँ फिर वार्डरोब फिटिंग्स और हेयर और मेकअप और डायरेक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करना, आई मीन उनका तो दिन होता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लाइफ ही बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जी फिर उनकी जो इंटरव्यूज होती हैं, फिर उसके बाद अपने कैरेक्टर पे बार बार काम करना, वो कहते हैं हम कैरेक्टर में घुस जाते हैं। फिर मैंने ये भी सुना है कि थिएटर में आर्टिस्ट को बोला जाता है कि जब आपका प्ले हो जाए तो जब आप रूबरू हो रहे होते हो ऑडियंस के से, तो उस टाइम अपने कैरेक्टर को किल कर दो। तो ये सारी जो बातें सुनी है इनके बारे में जानते हैं। आई हैव अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल पर्सन विद मी, वो खूबसूरत तो है ही अनडाउटेडली। उसके बाद शी इज वेरी टैलेंटेड आल्सो एंड हाईली एजुकेटेड, शी इज मधुमिता बारिक। हाय मधु। हाय, नमस्ते, हेलो। मैं मधु के बारे में आपको बता दूं भाई, ये ना इसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट है। सबसे पहले तो जो एकदम से जिससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो, लैंग्वेजेस ही बड़ी आती हैं, उड़िया, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू। माई गुडनेस। देन शी वर्क एज एन आर्टिस्ट इन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी। उसके बाद उन्होंने श्रीराम सेंटर दिल्ली रेपेट्री कंपनी के साथ काम करा, 60 प्लेज कर चुकी हैं, कई सारी फिल्म में उनकी अपियरेंसेस है, कौन कितना पानी में, आई डिंट डू इट, कुलदीप पटवाल, उड़ता पंजाब सबने देखी होगी, डोंगरी का राजा, द तश्किन फाइल्स, देन देयर इज अ लाइक नो लॉन्ग लिस्ट, उन्हीं से जानेंगे, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स। देन शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और इतनी लिस्ट लंबी है कि अगर मैं ही बोलती रही तो मैं उनसे कम मिलवाऊंगी आपको। सो मधु, हाय। हाय मधु। बीच बीच में हम आपके काम के बारे में बात करेंगे, पर पहले मुझे ये बताओ कि ये एक्टर बनने की और वो भी थिएटर करने का, क्योंकि बिकॉज थिएटर इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, हर किसी की, वो कहते हैं ना, बिल्कुल हर किसी के बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो एक डायलॉग के बाद दूसरा जब तक डायलॉग पढ़ रही होंगी मैं पहला भूल जाऊंगी। दिस इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सो ये थिएटर एक्टर बनने के बारे में सोचा कैसे? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं थिएटर में कभी जाऊंगी या एक्टिंग की तरफ कभी भी मतलब मेरा रुख होगा। मैंने हमेशा म्यूजिक को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया है पहले से ही। मैं बचपन से ही क्लासिकल म्यूजिक सीखी थी, तो आपने मैं करा अपने भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है म्यूजिक में? पोस्ट ग्रेजुएशन तो नहीं कर पाई मैं, हाँ लेकिन मैंने काफी साल मतलब म्यूजिक को दिया है। 6 साल तो मैं गंधर्व महाविद्यालय से सीखती रही, फिर उसके पहले भी मैं स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, मतलब मेरा पूरा टाइम म्यूजिक को जाता था। मैं क्लासिकल म्यूजिक, मतलब मम्मी हमेशा कहते थे कि बेटा किस
किसी ना किसी चीज पे जरूर जाओ, तो क्लासिकल म्यूजिक में चले जाओ एटलीस्ट। तो क्योंकि बचपन से ये भी था कि हमारे घर पे थोड़ा जैसे आर्ट एंड कल्चर को बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी लोग गाने से या डांस म्यूजिक या पेंटिंग, तो कुछ ना कुछ ऐसा सबको मतलब शौक था सीखने का, और मतलब मजा बहुत अच्छा भी लगता था। क्योंकि हम मुझे इतना ऑब्वियसली मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो हम हमेशा यहाँ जाते थे मंडी हाउस। मंडी हाउस में बहुत शायद दूसरी क्लास में थी जब से ही जाती थी मैं, और श्रीराम भारती कला केंद्र में मैं डांस सीखने जाती थी जब मैं थर्ड क्लास में थी। तो वहां पे इतना अच्छा लगता था क्योंकि हमारे गुरुजी जो थे वो भी हमारे गांव के ही हैं, जहाँ मेरे फादर जहाँ से हैं, तो वहां से काफी बड़े बड़े गुरुजी हमारे गांव से रहे हैं, जैसे मायाधर राउत जी हैं, काफी बहुत बड़े गुरु हैं वो डांस के, उड़ीसी डांस के। फिर हम मेरे जो गुरु हैं वो दिबाकर खुंटिया जी हैं, जिनसे मैंने डांस क्लासिकल सीखा है। तो बचपन से ना हम लोगों को दिखाने के लिए लेके जाते थे, बैले या उड़ीसी डांस का शो हो रहा है या रामलीला होती थी श्री राम भारतीय कला केंद्र में, एंड इतना सुंदर, इतना इतना सुंदर लगता था। मैं सोचती थी कि यार मैं कब ये सब सीख पाऊंगी, मतलब मैं कब कब इनके जैसे डांस कर पाऊंगी या इनके जैसी सुंदर दिखूंगी। और ये एक मतलब बचपन से ही था, मैं देखते देखते उसी एटमॉस्फेयर में काफी रहे, तो इसीलिए मेरे ख्याल में अपने आप ही वो चीजें होती रही। और लेकिन हाँ ये था कि मैंने एक्टिंग को लेके कभी नहीं सोचा था, म्यूजिक में मैं जरूर थी, डांस भी मैं सीखती थी। फिर जैसे ही मतलब मैं जाकिर हुसैन कॉलेज से हूँ, तो वहां पे आर्ट एंड कल्चर में मेरा म्यूजिक के लिए मेरा कंपटीशन था एक, तो कंपटीशन के टाइम पे हम लोग ऐसे ही गाना गाते थे और चले आते थे। तो एक बार आर्ट एंड कल्चर का एक ग्रुप में जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम थिएटर कर लो। तो मैंने कहा नहीं, मैं थिएटर वेटर जानती नहीं हूँ, मुझे एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है, मुझे एक्टिंग करनी भी नहीं है। तो फिर एक शाहिद शारिक भाई करके हैं, उनकी वजह से ही मैंने थिएटर ज्वाइन किया। मधु, अभी इससे पहले कि हम थिएटर की बात करें, कैन वी हैव फ्यू लाइंस फ्रॉम यू? कोई कुछ आई मीन क्लासिकल भी अगर आप कुछ गा के सुना दो तो। हाँ जरूर जरूर। ठीक है, मैंने क्लासिकल मतलब मुझे जो मैंने राग सीखे हैं अपने गुरुजन से, तो एक राग मैं सुना देती हूँ आपको। सा मरे पानी मा पागा मरे सा नी धरनी सा घुमड़ा घुमड़ा घर बरसे बूंदरी, उमड़ा घुमड़ा घर बरसे बूंदरी, चलता पूरा भई सना ना 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 हर हर का मनुवा झींगर बा बोले ना उमड़ा घुमड़ा घर परते हूँ। वंडरफुल वंडरफुल। इनफैक्ट मधु, मुझे नहीं पता था यू सिंग सो वेल, एंड आई मीन लगता है कि यू आर अ फुली ट्रेन्ड आर्टिस्ट, सिंगर रादर, यू नो। तो अब चलते हैं थिएटर की जर्नी की तरफ, कि कैसा रहा ये थिएटर की पूरी जर्नी? आई मीन एक वो कहते हैं ना कि क्योंकि किसी ने थिएटर में जाना होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाता है, कोई कोई आपको इनकरेज करता है, तो आप भी किसी की इनकरेजमेंट की वजह से थिएटर में गई। तो थिएटर का सफर कैसा रहा? मैंने देखा है कि यू हैव डन आई मीन 60 प्लेज। हाँ
जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी मैंने कभी मतलब सोचा ही नहीं था कि मैं थिएटर की तरफ जाऊंगी, जस्ट बिकॉज एक्टिंग मेरी मेरा कप ऑफ टी था ही नहीं कभी। आप पता नहीं कॉलेज में मुझे एक शारिक भाई करके हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा तुझे एक प्ले करना है मेरे साथ, तो मैंने कहा मुझे नहीं आएगा कुछ भी, प्लीज आप एक्टिंग के लिए मुझसे कुछ मत कहिएगा। तो मैंने कहा मैं गा दूंगी आपके प्ले में बैठ के, आप जो कहेंगे आप मैं गा दूंगी, मैं बजा भी दूंगी, बट मैं एक्टिंग नहीं कर सकती। बट फिर ना मेरे जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं उन लोगों ने समझाया कि कर सकते हो मधु, जस्ट ट्राई, एक बार कोशिश तो करो। तो मैं चली गई उनके कहने पे, लेकिन वहां पे मुझे ना उन्होंने मतलब एकदम से कहा कि आप यहाँ पे चल के दिखाइए, मतलब एक छोटी सी जगह थी और उस छोटी सी जगह पे बोला कि आप यहाँ चल के दिखाइए। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं चल के कैसे दिखाऊं, मतलब मुझे चलने को कह रहे हैं, चलना तो बड़ा आसान है, लेकिन मैं वहां चल ही नहीं पाई उस कमरे के अंदर। तो बड़ा ही मेरे लिए टफ सिचुएशन था कि मुझे कोई चलने को बोल रहा है और मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर उसके वही है ना बाद मधु, कि कोई मॉडलिंग का प्लेटफॉर्म हो तो वो समझ में आता है कि चलने को, कि वो कैट वॉक करके दिखा दो, बट थिएटर में चलने को कह रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी अजीब लग रहा है। पर हाँ उसमें कुछ ना कुछ होगा, बिकॉज देखो आफ्टर ऑल इतने लर्नर्ड लोग होते हैं, वो अपने तरीके से चीजों को देखते हैं। हाँ उन्होंने बस बोला कि एक छोटा सा मुझे वॉक करके दिखाओ, वो वॉक ही नहीं आया मुझे। एंड देन मैं तो वहां रोने लग गई, मतलब आधे घंटे मैं ऐसे ही खड़ी रही खड़ी रही, और मुझसे किसी ने कुछ नहीं बोला और मैं वहां रोना शुरू हो गई। फिर मेरे सारे सीनियर्स ने मेरे को काफी समझाया और कहा कि कोई बात नहीं, नहीं कर पाएगी तो ना सही, एटलीस्ट एक बार और कोशिश करें, जो भी वो कह रहे हैं करो, एक्सरसाइज करने को ही कहेंगे तो शायद उसको बस फॉलो करते रहे। तो फिर मैं जब गई रूम पे तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए चल के दिखाइए, फिर मैंने चलना शुरू किया। फिर उन्होंने मेरे को वॉक चेंज करने को कहा, एक हमारे थिएटर में होता है ना कि आप स्ट्रेट वॉक मतलब ज्यादातर नहीं कर सकते, आपको डायगनली वॉक करना चाहिए, डायगनल जाइए या ऐसे जाइए ऐसे आइए, तो कुछ एंगल्स होते हैं, तो उस एंगल्स के लिए मुझे मतलब उन्होंने ट्रेनिंग दिया कि ऐसे चलना चाहिए ऐसे चलना चाहिए। तो मेरी समझ आया कि अच्छा थिएटर में भी एंगल्स होते हैं, थिएटर में भी आपको खड़ा किस तरह से होना है, खड़े पैर किस तरह से मूव करने चाहिए, या हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमें खड़े कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे को धीरे 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 सिखाना शुरू किया, और जैसे जैसे वो मुझे बताते गए वैसे वैसे मैं करती गई। और एक प्ले था, मेरा पहला प्ले था वो, वो था कौन नहीं, उस प्ले का नाम था वही होगा सत्य जो तुम चाहोगे, और मेरा एक बच्चा, हाँ, और वो प्ले मतलब ऐसा था कि पूरा प्ले मेरे ही ऊपर था, एक मैं छोटी सी बच्ची का कैरेक्टर कर रही थी। How old were you at that time? मैं तब 19 साल की थी। और उसके बाद जब मैंने प्ले किया और जब शो हुआ, मुझे आज भी याद है, हमने निजामुद्दीन में निजामुद्दीन के साइड में एक पूरा एक सोसाइटी थी, और सोसाइटी में छोटा सा एक थिएटर हॉल था, और वहां पे हमने जाके शो किया, और मम्मी पापा मेरे घर से सब लोग आए हुए थे, और सब लोग वो प्ले देख के रो रहे थे, मतलब सारी ऑडियंस बैठ के रो रही थी। फिर उसके बाद मम्मी पापा को लगा कि ये तो कुछ मैजिक सा कर गई प्ले में, मतलब मधु उस टाइम कैसा लगा जब प्ले के बाद ऑडियंस से आर्टिस्ट को और डायरेक्टर सब मिलते हैं? बहुत ही अच्छा लगा, मतलब वो ऐसा लगता है कि ओ हो बस, मतलब वो बहुत अच्छा लगता है। तब आप जब परफॉर्म कर चुके होते हैं और जब आपके पास ऑडियंस आती है मिलने के लिए, सब लोग आते हैं, तो एक एप्रिसिएशन आपको मतलब एक लगता है ना कि हाँ किसी ने आपको बड़े अच्छे मीठे बोल कहे। दैट्स द टाइम
when artist is being acknowledged, director is being acknowledged, जितना भी सारा back end जो संभालते हैं उनको सारों को acknowledge करा जाता है, वो moments बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे moment होते हैं, और वो इतना मतलब खुशी देता है ना, वो satisfaction, वो खुशी मिलती है। जैसे मैंने अच्छा कहा कि 8-8, 10-10 घंटे की रिहर्सल और उसके बाद कैरेक्टर को क्रिएट करना, वो सब सब अच्छे से, ऐसा लगता है मेहनत सफल हो गई। तो उसके बाद मधु थिएटर इतना सारा करने के बाद, देन यू स्टडीड थिएटर आल्सो, यू डिड योर पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम इंडियन थिएटर। हाँ, you went to Chandigarh, वहाँ पे Indian theater join करा। मैंने मैं इससे पहले संगीत नाटक अकेडमी में मैं जॉब कर रही थी एक्चुअली। वर्कशॉप्स जो चलती थी थिएटर के बच्चों की वर्कशॉप्स होती थी, तो वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था और वहाँ पे मैं काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी। फिर मुझे वहाँ पे रतन थियाम जी मिले और के एन पणिक्कर जी मिले, मतलब सारे जितने भी थिएटर के बड़े बड़े गुरुजन हैं, तो सब लोगों से मेरी मुलाकात हुई। वामन केंद्रे जी भी आए थे, चन्नी सर भी वहाँ आए थे, तो रियली मिस हिम, यू नो, एग्जैक्टली। इन सब ने मुझे बहुत गाइडेंस दिया, मुझे स्पेशली बोला कि यू शुड गो फॉर एकेडमिक्स, और कहा कि तुम आगे पढ़ाई करो, तुम अच्छा थिएटर कर सकती हो। और मतलब बहुत सारी मैं उनसे सबसे सीखती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उनकी क्लासेस भी कई बार कभी कभी मुझे जाना पड़ता था उनके इंस्टीट्यूट में जहाँ पर हमारी वर्कशॉप चलती थी, और संस्कृति केंद्र उस जगह का नाम था, बड़ी ही बहुत ही खूबसूरत जगह। तो वहां पर मैं जाके बस दूर से क्लास ऐसे बैठ के देखती थी कि वो क्या करा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता था मुझे वहां पे। और मुझे जब सबने कहा कि आप एकेडमिक्स के लिए ट्राई करिए, मास्टर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो, तो वहीं से मुझे फिर पता चला था कि इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट में आप ट्राई कर सकते हो। एनएसटी में मैं ऑलरेडी एक बार ट्राई कर चुकी थी, बट उस वक्त नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैंने इंडियन थिएटर में किया ट्राई, तो वहां पे मेरा हो गया था टेस्ट। फिर जब उसके बाद ये थिएटर करा, इतने सारे प्लेज करे, देन ये कैमरा की तरफ कैसे स्विच हो गया, मतलब या पैरेलल में आपने क्या, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग, और मतलब कहने को तो ये एक ही जैसा कहते हैं, एक्टर इज एन एक्टर आफ्टर ऑल, बट दोनों में फर्क बहुत है, लाइक यू नो, एक आउटलुक का ही फर्क है। सो पर मैंने एक चीज देखी है कि सो मेनी थिएटर एक्टर्स दे आर हाईली सक्सेसफुल इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तो ये कैसे, ये जर्नी कैसे हुई, मतलब हाउ डिड दिस स्टार्ट? एक्चुअली ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैं कैमरे की तरफ कैसे गई, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं दिल्ली में ही थिएटर करूंगी, मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ, मम्मी पापा भी दिल्ली में है, घर भी दिल्ली में है, तो मैं क्यों बॉम्बे जाऊँ और मैं क्या स्ट्रगल करूं वहां जाके, बेटर कि मैं यहाँ पे थिएटर करूँ। और नीलम मैम जो मेरी गुरु है थिएटर से, एक्टिंग से, मानसिंह जी, जी 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 नीलम मानसिंह चौधरी जी, तो मुझे मतलब मैं इतनी मतलब उनसे इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हूँ कि मैं मतलब मैंने सोचा है कि नीलम मैम जैसी है ना, मैं भी वैसी बनूंगी। ओह शी इज सो रेविशिंग, सो गॉर्जियस। यस शी इज, ओह गॉड शी इज सो ब्यूटीफुल, बहुत ही, हम तो मतलब उनकी क्लास लेने के लिए तो वी यूज टू डू, मतलब हम ऐसे बैठे रहते थे कि मैम बोले और हम सुने बस मैम की क्लास में। बहुत ही स्वीट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब से कहते हैं, उनसे कोई भी सवाल आप पूछ लें किसी भी तरह का, थिएटर से रिलेटेड या एक्टिंग से रिलेटेड या इवन लाइफ से रिलेटेड, तो उनका एक्सपीरियंस इतना
मतलब है कि वो इतनी अच्छी तरह से आपको सब समझाएंगे कि मतलब शी इज रियली रियली गुड, बहुत अच्छी लगती है वो मुझे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, उसी उन्हीं दिनों मेरा ब्रेकअप हुआ था एक्चुअली 2015 में। तो मैं उस वक्त सेटल्ड होना चाहती थी, शादी करना चाहती थी। तो मेरा जो एक्स बॉयफ्रेंड था, तो उसने मेरे को बोला कि मैं तो अभी शादी नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ठीक है ओके। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। उसको बॉम्बे जाना था, उसने कहा मुझे बॉम्बे जाना है, बहुत काम करता है और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने तो कहा वो भी ठीक है एक्टिंग जाओ। फील्ड में थे। हाँ, वो भी एक्टिंग डायरेक्शन दोनों में ही है। तो उसने मुझे जैसे ही तो मैं मना किया, तो मैं बहुत दुखी थी उन दिनों और मैं बहुत परेशान थी। तो मुझे एक ऑफर आया उन्हीं दिनों ही एक सीरियल का, और कहा कि आपको 3 से 4 महीने बॉम्बे में ही आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, और कोल्हापुर आपको शूटिंग के लिए जाना पड़ेगा। मतलब कोल्हापुर में जब शूट होगा तो आप कोल्हापुर में रहेंगे, अदरवाइज आप बॉम्बे में रहेंगे। तो मैंने मम्मी पापा से पूछा, तो मम्मी पापा ने कहा हाँ बिल्कुल जाओ, अभी तो तुम्हें जाना चाहिए और तुम्हें अपना मूड सबसे पहले वहाँ माइंड को सबसे उधर पहले लगाना हाँ चाहिए। पेरेंट्स को तो वो होता है कि काम का काम बाद में, पहले हमारे बच्चे का मूड अच्छा होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो मैंने फिर उन्हीं दिनों बस डिसाइड किया कि ठीक है मैं जाऊंगी। मैं बॉम्बे पहुंची, बॉम्बे में मेरा एक छोटा सा ऑडिशन हुआ। ऑलरेडी मैं सिलेक्ट हो गई थी, ऑडिशन तो नहीं था, वो लुक टेस्ट की तरह ही था। लुक टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद मैं शायद 2 दिन बॉम्बे में अपनी फ्रेंड के पास रुकी, और तीसरे दिन फिर मैं शूट के लिए निकल गई थी कोल्हापुर में। तो मेरी एक बहुत अच्छी प्यारी फ्रेंड है, उसका नाम है सिमरत कौर, जो मेरे डिपार्टमेंट से है, और मैं उसी के घर में रहती थी लोखंडवाला में, मुझे याद है। और मुझे इसलिए लोखंडवाला, बॉम्बे में अगर कोई जगह पसंद है तो सबसे पहले लोखंडवाला ही पसंद है, Because क्योंकि that मैं was the शुरू से first कहीं time you went and stayed with your friend. या और उसने मुझे काफी सारी चीजें भी सिखाई। उसने कहा मेकअप ऐसे करते हैं, मुझे मेकअप नहीं करना आता था, बहुत सारी चीजें आती नहीं थी उस टाइम पे, ठीक से नहीं आता था, आता था बट ढंग से नहीं आता था। तो फिर उसने काफी चीजें सिखाई मुझे, फिर मैं शूट वहां पे मेरा स्टार्ट हो गया कोल्हापुर में, और मैं बॉम्बे में और कोल्हापुर आती जाती रही। 3 महीने बाद मेरा शूट खत्म हुआ, फिर उसके बाद मुझे लगा कि आई शुड स्टे इन मुंबई ओनली। मैं एक छोटा सा बैग लेके आई थी, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं मतलब था। यू यू अल्टीमेटली डिसाइडेड कि अब मैं मुंबई में ही रहूंगी। हाँ, मतलब उससे पहले नहीं सोचा था कि मैं मुंबई में रहूंगी। रहते रहते जब मैंने देखा कि मुंबई में आप आराम से रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है वहाँ पे, मतलब अगर आप रात को भी शूट करके बैक वापस आ रहे हैं घर पे, तो वहाँ कोई परेशानी नहीं है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, बहुत ही कंपैरेटिवली सेफ है। सी इजी 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 गोइंग सिटी। यस, एंड देन मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वहाँ थिएटर भी कर सकते थे हम, और वहाँ फिल्म्स के लिए भी ट्राई कर सकते थे। या तब तो वेब सीरीज स्टार्ट नहीं हुए थे, लेकिन एड्स के लिए भी। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे क्यों नहीं अपना एक देखती हूँ, मतलब एक लाइफ यहाँ पे भी शुरू करके देखती हूँ। तो मम्मी पापा से फिर बात किया, मम्मी पापा ने कहा ठीक है तुम वहाँ कंटिन्यू करो और थोड़े टाइम के लिए वापस आओ, फिर थोड़ा सामान लेके चले जाओ। तो फिर मैं बॉम्बे में मैंने स्टे करना शुरू किया, आई थिंक अगस्त या फिर सितंबर के अराउंड, मतलब पूरी तरह से। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पे काफी सर्च किया, काफी कुछ देखा, काफी मतलब मुझे पहली बार ऑडिशन देने जब गई, तो होता है ना कि आपको अपना इंट्रो देना पड़ेगा, तो हाँ जैसे बोलते हैं मुझे सिखाया गया वो कि कैसे बोलते हैं, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था, वो भी सीखने में हाय बहुत माय मजा नेम इज आया। सो एंड सो, आई एम सो एंड सो, माय प्रोफाइल्स आर दिस माय हाइट इज दिस दिस, माय प्रोफाइल का दिस दिस। दिस दिस। तो वो भी बहुत मतलब एक प्रोसेस है, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक प्रोसेस है, बड़ा अच्छा प्रोसेस है वो भी, और थोड़ा अलग है, थिएटर से काफी अलग है। और एक्टिंग जो हम थिएटर में करते हैं या जो हम ऑडिटोरियम में करते हैं, वो उससे भी काफी, नॉट बहुत डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा डिफरेंस है।
मधु फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ठीक है, मुंबई बहुत प्यारी सिटी है, और जब मैं भी नई नई गई थी, आई वेंट विद माई डॉटर, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इस सिटी में आप अच्छे से अपने आप को इस सिटी को दो, तो ये सिटी आपको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करती है. एग्जैक्टली हाँ. तो बट दैट इज ग्रेट विद द सिटी. बट फिर प्रोफेशनल करियर में क्या क्या कुछ चैलेंजेस आए? कुछ मतलब रेगुलर काम मिलता था या कुछ स्ट्रेस लेवल भी कभी कभी बढ़ जाता होगा? मेरा पहला एक साल तो मैंने बहुत कम काम किया मुंबई में, क्योंकि ऑडिशन देने में पूरा टाइम चला जाता पूरा था, और सारे प्रोडक्शन हाउस या सीरियल के भी जितने प्रोडक्शन हाउस थे, मैंने सीरियल्स पे भी काफी ट्राई किया. फिर फिल्म्स के लिए मुझे इतना, तब मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी उस टाइम पे. मैं अपने कुछ कुछ सीनियर्स से पूछ पूछ के जाती थी, कुछ लोगों से पूछ पूछ के जाती थी, कुछ फ्रेंड्स लोग बता देते थे कि यहाँ ऑडिशन चल रहा है तो वहाँ चले जाओ, और ऑडिशन भी दिया. उस टाइम ये सब कास्टिंग डायरेक्टर्स वगैरह होते थे? कास्टिंग डायरेक्टर्स होते थे, लेकिन तब मेरे पास ना ज्यादा कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर्स नहीं थे, बहुत ही कम नंबर्स थे, जो कि मैं दिल्ली से ही कुछ नंबर्स लेके गई थी, क्योंकि दिल्ली के काफी सारे कास्ट मतलब फ्रेंड्स जो हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में. तो इसलिए फिर वहां पे थोड़ी दिक्कत तो आती आती है, क्योंकि आपको पहला, मुझे ये लगता है कि आपको पहला एक साल या फिर उससे थोड़ा कम टाइम आप दीजिए, हर जगह पर जाइए, मिलिए, ऑडिशंस दीजिए, कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलिए जहाँ पर उनका प्रोडक्शन हाउस है या जहाँ पर उनका ऑफिस है. जी, तो वहां पर मैं जाके ऑडिशन दिया. फिर मेरे को कुछ मतलब समझ में नहीं आया कि ये होता कैसे है, क्या होता है, कैसे सिलेक्शन होता है. पहला एक साल तो बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे. हाँ, मैंने थोड़ा बहुत सावधान इंडिया किया था. मैंने उस टाइम पे, मुझे सावधान इंडिया मिलता मतलब मिल रहा था, और मैं कर रही थी, आई थिंक 3 या 4 एपिसोड्स मैंने किए सावधान इंडिया. सावधान इंडिया की भी व्यूअरशिप काफी, अभी भी शायद आ रहा है सावधान इंडिया, अभी भी आ रहा है. मतलब शुरू शुरू में तो मुझे, जो जहां तक मैं जानती हूँ, इसकी व्यूअरशिप काफी थी. हाँ, और तब बहुत सारे लोग सावधान इंडिया कर रहे थे, मुझे इतना याद है, क्योंकि फिर मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी किया मैंने बीच बीच में. मेजर फिल्म्स कौन कौन सी करी, फिल्म्स में जहाँ पे वेर यू रियली लाइक्ड योर कैरेक्टर? मुझे उड़ता पंजाब बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मेरा एक छोटा सा ही किरदार था, बड़ा छोटा सा था. हमने पहले आलिया भट्ट के साथ शूट किया, फिर उसके बाद शाहिद कपूर के साथ शूट किया, और छोटे छोटे से कुछ हमारे सीक्वेंसेस थे, मतलब कुछ सीन्स थे हमारे. और मुझे इसलिए अच्छा लगा, जब मैं शाहिद कपूर जी के साथ कर रही थी, मेरा सीन चल रहा था, तो उससे पहले ही मैंने वो डायलॉग्स जो थे वो थोड़ा भोजपुरी और हिंदी मिक्स था. और मुझे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे लगे, अभिषेक चौबे जी, क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ एक बार कहा, मैंने कहा सर मुझे एक बार रिहर्सल करना है, क्योंकि ये डायलॉग्स ना मतलब मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज है तो भैया. राइट, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है करते हैं. और अच्छी बात ये थी कि मेरे साथ उन्होंने, मैंने सिर्फ बोला था सर एक दो बार प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने मेरे साथ 10 बार एटलीस्ट प्रैक्टिस किया. उन्होंने कहा कि बीइंग सच अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, वेरी वेरी, मतलब मैं उनके साथ दोबारा जरूर काम करना चाहती. अगर एक्टर को कुछ नीड है तो उसको अच्छे से वो समझते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, और वो इतने अच्छे डायरेक्टर लगे उन्होंने, मतलब मुझे दिया कि आप इसके साथ कुछ और भी कर सकती हैं, अगर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहती हैं, तो वो भी मैं कर रही थी साथ साथ में. एंड बहुत 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 अच्छा लगा. और शाहिद कपूर जी के साथ भी जब एक्ट कर रहे थे तो उन्होंने भी काफी हेल्प किया, और बहुत अच्छे से हमारा सीन वर्क हुआ. वो कहते हैं ना कि आपका किरदार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो,
but it depends on you how you enjoy that playing the character. Yeah. Right. Because at that point of view, time, that is not you. You are playing the character. तो वो चाहे छोटा है बड़ा क्या फर्क पड़ता है, उसको enjoy करके play करो तो that really makes a difference. Yeah. हाँ. और मुझे और मतलब इतना और बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके. एंड देन लास्ट में वो मिलने भी आए, बातचीत की, और फिर शाहिद कपूर जी ने बोला भी कि शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, ये बोला उन्होंने. और मुझे इतनी और मतलब मुझे इतनी खुशी मिली उस दिन. दैट्स अ बिग थिंग. आई मीन बिकॉज़ शाहिद कपूर जी हिमसेल्फ इज अ वेरी वेरी गुड एक्टर, ब्रिलियंट, वेरी गुड एक्टर. Very good actor. तो मुझे उड़दा पंजाब की बहुत अच्छी memories हैं. हाँ, actually बहुत छोटा और बहुत कम time के लिए थी मैं, और मतलब बहुत ही मुझे लेकिन अच्छा लगा. हनी त्रिहान जी वहाँ पे थे. हनी त्रिहान जी भी हाँ, हनी त्रिहान जी is a casting director I think. अभी तो वो director हैं और producer भी हैं. उन्होंने अभी एक film उन्होंने direct भी की थी. मैंने वो film देखी है बट नाम नहीं याद आ रहा है. तो बहुत अच्छी फिल्म बनाई है उन्होंने भी. और मुझे हाँ, मैं मतलब मेरा जो पहला मतलब कास्टिंग डायरेक्टर जिससे मेरी मुलाकात हुई थी मुंबई में, वो मैथ्यू वर्की करके कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो कि बहुत सारे एड फिल्म्स के लिए वो कास्ट करते हैं. ही इज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी. और चंदर करके एक कास्टिंग डायरेक्टर हैं जो कि दिल्ली से हैं. उन्होंने ही मुझे ये उड़ता पंजाब के लिए कास्ट किया था. उन्होंने ही मुझे मैथ्यू का नंबर दिया था और पीयूष रैना का नंबर दिया था कि आप पीयूष रैना और मैथ्यू से जाके मिलना और मेरा नाम लेके मिलना. तो मेरे को अभी भी याद है और आज तक मैथ्यू मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अभी भी वैसे ही मिलते हैं जैसे पहली बार वो मिले थे मुझसे. Madhu, I just read that now you are working or you are about to start the new project with Yashraj. No, वो हो गया है. वो complete हो गया है. That's been done. Okay. वो शमशेरा, शमशेरा एक film है. शमशेरा is being released. मुझे नहीं पता. नहीं, अभी release. अभी release नहीं हुई है. So waiting for that. Waiting for that. And what are your future plans? अभी आगे की क्या plans हैं? अभी अभी देखिए जिस तरह का माहौल चल रहा है तो अभी काफी सारी चीजें अभी films ऐसा नहीं है कि films बन रही हैं, web series बन रहे हैं, काफी काम हो रहा है. और मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि मैं मुंबई और दिल्ली अप डाउन करती रहूँ, just because मेरी family इधर है तो मुझे मेरी फैमिली को भी देखना है. और मुंबई में भी मैंने एक रेंटेड हाउस ले रखा है तो वहाँ पे भी जाके मैं बीच बीच में जाती रहती हूँ जब भी जैसे कुछ काम आता है. या और मेरे काफी फ्रेंड्स मुझे बुलाते भी हैं, बोलते भी हैं कि मधु यू शुड कम हियर एंड अभी काम चल रहा है आ जाओ. तो मैं बीच बीच में मैं यही सोचती हूँ कि उधर और इधर मुझे दोनों जगह पे मैनेज करना पड़ेगा. और कभी बैलेंसिंग बिटवीन दिल्ली बॉम्बे. Yeah. so Madhu, all the best for your future endeavors. And अभी next episode में हम ये समझेंगे कि अगर किसी को career अपना बनाना है theater में, so how one can take theater as a career, right? So Madhu, actually, I mean since we know each other, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम इस प्लेटफॉर्म पे आके कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो मुझे आज मधु का एक और ही रूप देखने को मिला. मतलब आई नो यू एज अ फ्रेंड, हम काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बट जो जो बातें मुझे आज पता चली अबाउट योर करियर, लाइक यू नो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप यू टोल्ड मी, ये मेरे लिए बहुत ही एक आई ओपनर था. इट ओपनड अप माई माइंड दैट ओके मधु का इस तरह से एक करियर प्रोग्रेशन हुआ. तो दैट्स व्हाई आई रियली लव दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग कन्वर्सिंग. सच कन्वर्सेशंस एक्चुअली इनेबल यू टू नो मोर अबाउट अदर पर्सन, इवन दो अदर पर्सन इज योर फ्रेंड और योर रिलेटिव और योर लव्ड वन, कोई भी है, इस प्लेटफॉर्म पे आके आप उसके बारे में और ज्यादा जानते हो.
जैसे मैंने आज मुझे बहुत सी चीजें मुझे पता चली. मधु, एनीथिंग एल्स यू वांट टू एक्सप्रेस? मैं आपके बारे में बोलना चाहती हूँ केनी. मैं आपसे मिली थी आई थिंक 2011 में और 12 में. आई थिंक दैट वाज 2013. और मुझे तब से ही कैनी मतलब हम दोनों तब से ही फ्रेंड्स हैं और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. जब भी कैनी, मैं अभी मम्मी से भी बात कर रही थी कि आपके बारे में बता रही थी, तो मैंने कहा मम्मी मैं जब भी परेशान होती हूँ या कुछ भी होता है ना तो मैं कैनी से जरूर डिस्कस करती हूँ. स्वीट एनी टाइम, स्वीट लवली पर्सन. मतलब हमेशा एवर आप हमेशा रेडी रहते हो कि कोई भी परेशानी है कुछ भी है तो मैं हमेशा, मैंने देखा आप हमेशा मुझे बहुत पॉजिटिव करते हो. अपनों को वो देखा नहीं जाता ना कि anyone in trouble, you know? तो कुछ है तो उस टाइम लगता है कि यार यहाँ से निकल के कुछ प्रोडक्टिव काम करें. सो मधु थैंक यू एंड वील बी कंडक्टिंग द नेक्स्ट एपिसोड वेयर वील नो फ्रॉम मधु करियर थिएटर एज अ करियर ऑप्शन. सो बिकॉज या मधु से अच्छा विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड शी बींग पोस्ट ग्रेजुएट हरसेल्फ and with such vast experience in theater and films. बीच में कुछ दिक्कत हो गई थी तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मधु से जानेंगे थिएटर एज अ करियर ऑप्शन. सो थैंक्स मधु. Thank you so much. Thank you, Kelly. Thank you. See you again. Bye. See you. Bye-bye. Thank you. Bye. God bless you. Bye. Bye.